कल को मुसलमान बोलेगा तो रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्टाइड है ये तो। भी उठाया है, हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ का ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, ये संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई, आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी KFC को मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई आपको, उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्टाइड है ये तो, क्लियर कट अपार्टाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया सर।